चलो भाई तो हम आ गए। ओए 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 क्या कर रही हो, कहाँ से लड़ रही हो? ओ भाई तुम तो यार बिल्कुल बच गए यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। मैं वक्त पे नहीं आता ना तो ये दोनों आज लड़ लड़के पूरी हो जाती। चलो हटो यार, इसका पिंजरा बहुत खस्ता हालत में हो गया है यार। ये वहाँ कोने से लड़ गई थी, ये देखो अंदर सुराख हुआ है ना। ओ भाई बच गया, वो अंदर सुराख हुआ हुआ। क्या हो गया यार, तुम इधर आ जाओ, तुम इससे बहुत गंदा लड़ रहे हो। चलो चलो चलो। और ब्राउनी जो है हमारा, वो पहले से ही पिंजरे में है भाई। उसको पता है मैंने खा पी के वापसी पिंजरे में जाना है, तो उसको अपनी जगह याद हो गई है। तो यार मुझे एक चीज़ तुम लोगों को दिखानी थी यार, सेटअप पे जो चेंजिंग करी हमने। लेकिन वो दिखाने से पहले मैं तुम लोगों को ये बताता चलूँ कि आज भी मैंने तुम लोगों को बोला था दीवार खड़ी करूँगा, पर यार मेरे हाथ की वजह से ना मैं थोड़ा सा ना रेस्ट करना चाह रहा था आज का भी। मैंने बोला यार जहाँ इतने दिनों में आज भी, क्योंकि यार मेरे हाथ के भी तुम लोग कंडीशन देख सकते हो, ये देखो। तो इस पर पानी आने लगेगा ना, और फिर से वो लगा तो ये हाथ मेरा फिर से वापसी उसी कंडीशन में आ जाएगा। अभी भी मेरा दर्द हो रहा है और उंगलियां सूजी हुई हैं, 2-3 दिन से लगातार सूजी हुई हैं। तो घर वाले टेंशन में आ रहे थे, बोलने नहीं अभी मत करो भाई, कहीं ये ना हो कि तुम्हारे लिए कोई बड़ा मसला बन जाए। तो इस वजह से उन्होंने मेरे को रोक दिया। और यार हमारी ईंटें भी कम है, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले ईंटें भी ले आऊँ, ताकि काम जो है ना वो एक साथ एक ही दिन में दोनों दीवारें खड़ी कर दें। ये नहीं करें कि एक दिन एक दीवार फिर दूसरे दिन ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, दोनों हम एक साथ ही खड़ी करेंगे, ताकि ज़्यादा काम ना बचे, फिर हमें सिर्फ कलर करना होगा। तो इस वजह से हमने रैबिट हाउस को अभी रोक दिया है, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए। और कल मैंने एक दोस्त को भी बोला है अपने, उसको आप लोग जानते हो, कल आएगा तो वीडियो में मिल जाएगा। तो उसको मैंने बोला है कि वो मेरे साथ यार हेल्प कराए, क्योंकि मैं अकेले दीवार खड़ी नहीं कर पाऊँगा, दीवारें ज़रा बड़ी हैं। तो वो भी आ जाएगा, तो देखते हैं कल या परसों जब भी खड़ी करनी होगी तो हम कर लेंगे। बाकी भाई रैबिट हाउस आप लोग परेशान ना हो, जल्द बन जाएगा इस हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह। तो यार अब मैं तुम लोगों को दिखाता चलूं कि हमने सेटअप पे क्या चेंजिंग करी है। तो ये चेक करो भाई, इधर से ये देखो, ओहो हो 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 कितना प्यारा लग रहा है ना। तो यार ये वाला पिंजरा हमने इधर क्यों रखा है, वजह ये दोस्तों, क्योंकि ये जगह जो है ना ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो तुम लोगों को मैंने बोला था ना बंद हो रहा है, तो वहाँ पे ये जा नहीं पा रहे थे। मैं वीडियो बनाता दोस्तों, पर यार हमारी जो लाइट है ना उसने अजाब करके रखा हुआ हमारे, क्या बोलते हैं अभी, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा। अभी भी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी जनरेटर की, तो जनरेटर चल गया, अभी भी लाइट गई हुई है। तो इस वजह से ना मोबाइल चार्ज नहीं होता, तो मोबाइल चार्ज करता हूँ तो फिर उस वो टाइम ऐसा निकला कि मैंने बोला यार फिर दोपहर में टाइम नहीं होता यार हमारे पास। तो इस वजह से ना मैंने और भाई ने सुबह इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, और आपके भाई ने पूरी सफाई कर दी भाई सेटअप की। देख रहे हो कैसा साफ़ सुथरा हो रहा है, और ये पानी तुम लोग देख रहे हो इतना सारा जो आ रहा है, ये मैंने रैबिट हाउस को जो दीवार है ना इसको गीला कराया यार, क्योंकि जब तक गीली नहीं होगी तब तक ये पक्की नहीं होगी, इसको पानी हमें 2-3 दिन लाजमी देना है। तो इस वजह से सारा का सारा पानी आया हुआ है। तो यार चिंटू मिंटू आ जाओ भाई, और तुम्हारा सर दिखाओ भाई। हाँ भाई इसका सर सेट है। हाँ देखें दोस्तों, आज इसका सर काफ़ी सेट हो गया, खुश्क हो गया, क्योंकि पायोडीन लगाई थी ना उससे काफ़ी फ़ायदा हो गया। पर यार मेरे समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों इतना अग्रेसिव हो रहा है, उसको मारता रहता है बेचारे को यार। तो अब मैं तुम लोग को यार एक और चीज़ दिखाता चलूँ। ये देख रहे हो तुम लोग, देखो कैसे ढका हुआ है हमारा, ये क्यों ढका हुआ है हमने। तो भाई इसकी वजह है, ये देखें अंदर यार जो हमने है अपना बड़ा मुर्गा और मुर्गी छोड़े हुए, ताकि ये लोग नहाएं यार यहाँ पे सुकून से। और ये जो हमने जगह बनाई है ना, ये भी इसलिए बनाई है दोस्तों, क्योंकि यार इनकी वजह से ना इनके पिंजरे की ऐसे जगह कम पड़ी थी तो वो जा नहीं पा रहे थे। अभी तो हमने इसलिए लगाया हुआ है ताकि यहाँ जो बड़े मुर्गा मुर्गी खाए पिए खोलें उन्हें, तो फिर वो कहीं ये ना हो कि अंदर घुस जाएँ लड़ने के लिए, तो काफ़ी मसला हो सकता है हमारे लिए। तो इस वजह से हमारे लिए बेस्ट है कि हम एक एक मुर्गा मुर्गी को ऐसे खोल दिया करें असीलों को, ताकि वो आराम से ना लिया करें। और बाकी ये जो है ना यार, इन सारों की मैं बाकियों की आदत डालूंगा बच्चों समेत, और जो हम नए लाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे और मुर्गा मुर्गी लाने चाहिए नए, इनसे हटके जो के साथ आपस में रहें, तो हम उनको साथ यहाँ पर खोल दिया करें। और यहाँ जो है ना, यहाँ बताओ यार यहाँ हमें क्या बनाना चाहिए, यहाँ क्या बनाना चाहिए, हमारे पास जगह अब एक्स्ट्रा खाली बच गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुर्गा मुर्गी के लिए यहाँ पे हमारे को ना मिट्टी डाल देनी चाहिए, ताकि वो सुकून से रहें। तो बताओ क्या सही है, यहाँ पे हम डालें या नहीं? ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, चलो उधर, चलो चलो उधर, उनका खाना खा गया सारे का सारा, ये जो मैं रखता हूँ यार, चलो उधर, सारा खाना खा गया उनका आगे, देख रहे हो इसकी हरकत है, ये बहुत खतर। अब देखो वहाँ जाके जो मैंने दाना भिगोया हुआ है ना, वो देखो वो भीगा हुआ, उस पर वो रख दिया था मैंने, डब्बा ढक दिया है, तो इस वजह से गया नहीं, वरना है ना वो जाके खाता, देखो फिर जा रहा है भाई, जा रहा, चल तंग कर रहा है मुझे, चलो चलो तो मैं बंद करूँ, दूसरों को खोलना है, चलो। तो यार मुझे एक चीज़ का ना शक हुआ है,
जो कि हमारी गुड न्यूज़ में शामिल हो सकता है, और वो शक ये है कि हमारी जो बजेस कॉलोनी है ना दोस्तों, उसके अंदर दो बच्चे आए थे। खैर से मैं तुम लोगों को बताता चलूँ यार, कि जब मैं अभी वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था पिछले, उसकी बात है, अभी तो खैर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बिल्कुल डेली के हिसाब से, बट उस वक्त ना दो बच्चे हमारे पास आए थे जो तुम लोगों को याद होगा, तो यार वो हमने सेल आउट कर दिए थे, क्योंकि यार बजेस कॉलोनी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उसके हिसाब से ना ज़्यादा हम रख नहीं सकते, क्योंकि बच्चे फिर उनके पैर बन जाते हैं, बनते बनते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से हमने वो दो सेल आउट कर दिए थे। और गुड न्यूज़ ये है कि यार अब फिर से वो बच्चे आ गए हैं दो, और किसी के, या तो उस हांडी में या फिर इस हांडी में। उस हांडी का हमें इतना पक्का शक नहीं है, इन दो हांडी में मुझे लग रहा है, क्योंकि यार हमें ना वॉइस आ रही है, उनकी आवाज़ जो थी ना वो बहुत काफ़ी तेज़ी से आ रही थी, और ये देखो यार मुझे इस हांडी का पूरा शक हो रहा है, और बच्चे भी इसके और इसके लग रहे हैं, मुझे इतना लग रहा है वाइट वाला नहीं, कहाँ गया ये, दूसरा हो गया, हाँ उसी के लग रहे हैं जो बैठा हुआ ये रहा, ये देखें ये बैठे हुए, इन दोनों जोड़े के लग रहे हैं मुझे, ये देखो इनके बच्चे हैं लाजमी। अब देखो यार अगर बच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी वाली बात है, तो एक से दो दिन में ना हम उनको चेक करने की कोशिश करेंगे, मैं अभी खुद नहीं कर रहा, अगर छोटे हों तो ये कहीं खिलाना ना छोड़ दें हमारे से डर के, तो इस वजह से। तो यार वो बोलते हैं ना जोरू का गुलाम हेड ऑफ हिज, ये देखो ये रहा छोटा चेतन, इतना बड़ा गुलाम है अपनी बीवी का, जब तक वो पिंजरे से बाहर नहीं आ गई ना, स्लो स्लो इतनी मुश्किलों से आई है, एक तो जब तक इसने ना एक निवाला तक नहीं लिया, बल्कि उसको उठा उठा के बुला रहे कि आ जाओ, इतना बड़ा गुलाम है ये शख्स, देख रहे हो वैसे कितना बनता था भरम वाला, ये देखो अब खा रहा है उसके साथ। तो यार तुम लोगों को याद होगा दोस्तों 14 अगस्त पे ना मैंने एक पिजन जो है वो रख लिया था अपने पास बच्चा, और जिसको मैं टेम भी कर रहा था, तो पिछली वीडियोस में मेरे होगा देखना लाजमी। तो यार वो पिजन जो है ना वो देखो भाई माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है, वो रहा अंदर, ठीक है ना दोस्तों। तो भाई इसकी ये खबर है, रिपोर्ट है कि ये जो है मेल निकला है हमारे पास, फीमेल नहीं है ये मेल है, तो बाकी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और हसीन हो रहा है। तो तुम लोगों से मुझे यार ये चीज़ पूछनी थी कि इन दोनों पिजन्स में से हम ये जो हमारा ब्लैक वाला है जो कि टेम हुआ हुआ है, तो इसके लिए हम इसी के जैसी मादी लाऊं या नहीं, तो ये लाजमी बताओ कमेंट में। और बाकी मैं तुम लोगों को दिखानी भी थी तो आज दिखा दी, और कुछ दिनों बाद ज़रा ये सर से काम उतर जाए रैबिट वगैरह के, और ये सारा कुछ कर लें हम पहले जितना बनाने वाला काम है, फिर इनको खोलेंगे, और फिर पिजन सेटअप भी मुझे करना था, और बाकी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करो ताकि मैं सारा सेटअप जल्द से जल्द बना सकूं। बाकी यार छत पे जो है आज हमारी पतंग उड़ रही है, भाई आ गए हैं, और ये हारिस है, इसको मैंने बुला के जगह भी दिखा दी है, इसने बोला ठीक है कल इंशाल्लाह हम करते हैं इसको फाइनल। तो आज पतंग उड़ रही है छत पे, दिल चाह रहा था तो ये लोग पतंग वगैरह लेकर आ गए, बोल रहे हैं आज पतंग उड़ाते हैं, और वो इन्होंने फाइनली अभी तक एक भी नहीं उड़ी है पतंग इनसे जब से लगे हुए हैं। तो कहते हैं दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। ओए 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 बच गया मैं, सुल्तान खुला हुआ है भाई, अभी मैं जज्बात में अगर आगे चले जाता ना तो सुल्तान के हाथों आपका भाई शहीद हो चुका होता, मैं बच गया बार बार, जल्दी से खा ले इसको बंद करूँ।